बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो लेके आया हूँ ये निसान एडी गाड़ी, इसके इंजन के ऊपर है। एक निसान एडी गाड़ी रिसेंटली मेरे पास आई थी। इसकी मैंने गाड़ी में मसला ये था कि गाड़ी धुआं मारती थी और आयल बहुत ज़्यादा काम करती थी। 1000 किलोमीटर के दरमियान ये तकरीबन जो है वो 2 लीटर आयल काम कर जाती थी। तो इसको जो है मैंने खोला है, सबसे पहले इसका मुआयना किया, तो इसके पिस्टन इंजन की हालत जो है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। तो इसमें सिर्फ मैंने रिंगे चेंज किए हैं और ऐड की बात सीले चेंज किए हैं और गाड़ी बिल्कुल सही हो गई है। आज की सारी वीडियो इस प्रोसेस के ऊपर है। तो जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, इसकी टाइमिंग वगैरह सबसे पहले मैंने रिमूव की है और उसके बाद इसके ऐड को खोल लिया है। बहुत आसान है इसका ऐड खोलना टोयोटा जीलाई वगैरह के मुकाबले में, क्योंकि इसकी प्लेट नहीं खोलनी पड़ती, जस्ट ऊपर से केमो की गरारियाँ खोल के ऐड इस तरह से ऊपर आ जाता है। अभी देखें तो ऐड मैंने निकाल लिया हुआ है, ये बुला के गाड़ी में लगा हुआ है। अब इसके पिस्टन में निकालूंगा और इसकी पिस्टन रिंगे वगैरह चेंज करूंगा। ये ऐड इसका पड़ा हुआ है, ये देखें अभी पिस्टन वगैरह मैंने निकाल लिए हैं इसमें से और इसकी सफाई हो रही है। तो पिस्टन की हालत वैसे बहुत नाजुक थी, काफ़ी डाउन थे, बोर में भी मामूली सा मसला था, लेकिन बिकॉज ऑफ कस्टमर डिमांड हमने जो है इसका सिर्फ रिंगे चेंज किए हैं, इसमें ज़्यादा रिपेयरिंग नहीं की, लेकिन उससे गाड़ी जो है बिल्कुल सही हो गई थी। गाड़ी के मसाइल जो है वो सारे हल हो गए थे। ये देखें इसके पिस्टन पड़े हुए हैं, ये धो के मैंने रखे हैं। इसकी जरियाँ देखें किस तरह से बिल्कुल वाइट हैं। जब भी रिंगे चेंज करें तो ये जरियों को, पिस्टन की जो रिंगों की जरियाँ होती हैं, इनको ज़रूर जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ करना है कि उनके अंदर ज़रा भी कार्बन ना रहे। अभी देखें तो ये नई रिंगें इसके पास पड़ी हुई हैं, मैंने आपको अभी ये दिखाई भी हैं। टीपी कंपनी की रिंगें जो हैं वो मैंने यूज़ की हैं और हेल्पर नहीं डाले उसमें, क्योंकि बोर की कंडीशन इतनी डाउन नहीं थी। अगर मैं इसमें हेल्पर डालता तो इंजन टाइट हो जाता और उसमें जो है वो पिस्टन रिंगे और ज़्यादा जल्दी ख़त्म होती। अभी उसके मुकाबले में ज़्यादा टाइम लगाएंगे। ये देखें इसके ऐड के टैपट इस तरह से नंबरिंग करके मैंने निकाले थे, क्योंकि इसकी वालसीले चेंज किए हैं, तो अभी सेम नंबरिंग के ऊपर मैं इनको फिट कर रहा हूँ। और इसी तरह से करना है जब भी आप इसमें रिपेयरिंग करें, वरना जो है बहुत बड़े मसाइल का आप शिकार हो जाएंगे। अभी देखें तो गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट है, खड़ी है और सारा काम इसका हो गया है, इंजन बेहतरीन हो गया है, गाड़ी का बैकअप भी बहुत अच्छा है, गाड़ी में कोई मसला नहीं है, अभी तक बिल्कुल बेहतरीन चल रही है और ये ठीक हो गया जो है हमारी वर्कशॉप से जा चुकी है। और ये इसका पहला सेल्फ मैं इसको देने लगूँगा। अभी ये देखें, ये मैंने हाफ सेल्फ स्टार्ट हुई है गाड़ी, ज़बरदस्त साउंड है, कोई मसला नहीं है, कोई मेन बैरिंग वगैरह चेंज नहीं की है, कोई फालतू चीज़ चेंज नहीं की, जस्ट रिंगे और वासीले चेंज किए हैं, गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर आज की वीडियो आपको कैसी लगी।